Hey guys, welcome back to a new video. So this video is going to be about the campus tour of Kasturba Medical College, Manipal, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि हम किन क्लासेस में पढ़ते हैं, कहाँ खाना खाने जाते हैं, कैसे हॉस्टल्स में रहते हैं और कैसी लैब्स में सब कुछ सीखते हैं. सो वॉच इट टिल एंड. दिस इज़ दी माहेजियो बिल्डिंग और इसकी बिल्कुल साइड पर है हमारी लाइब्रेरी. तो अभी हम जाएंगे लाइब्रेरी और अगर हम यहाँ से आगे जाएँ, यहाँ से उस तरफ, तो आगे जाके है मेरा हॉस्टल, इंदिरा हॉस्टल, जहाँ पर हम इसके बाद जाएंगे. This is the entry to the library. और इसके सामने ही है कैंपस स्टोर जहाँ से वाइट कोट्स ले सकते हैं और मैंने अपना वाइट कोट यहीं से ख़रीदा था. Materials for submission of bags. म्यूज़ियम ऑफ एनाटमी एंड पैथोलॉजी, मैप के नाम से जाना जाता है. तो यहाँ पर एक म्यूज़ियम भी है जहाँ पर मैं एक बार गई थी, बट आई डोंट थिंक इट्स अलाउड टू रिकॉर्ड दैट. यहाँ पर एक म्यूज़ियम है, पब्लिक म्यूज़ियम. यहाँ से हम अपने लेक्चर हॉल्स की तरफ जाते हैं. जो एनाटमी लैब है वो इस तरफ है, ये वाली एंट्री में. पर अगर हम सामने की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर हैं हमारे लेक्चर हॉल्स, मतलब जहाँ पर हमारे स्केड्यूल के पहले दो लेक्चर्स, थियरी लेक्चर्स लगते हैं. यहाँ पर बैंक सर्विसेज हैं, इनके साथ कोई कैश विड्रॉ करवाना चाहते हैं तो यहाँ से करवा सकते हैं. ICICI bank and then SBI bank, all the services are available there. उस तरफ HDFC branch भी है. So हर सुबह breakfast के बाद हम हमेशा यहीं आते हैं lecture halls में, और इसका कुछ part मेरी previous video में भी आप लोग देख चुके हैं जब हमने sir के साथ campus tour किया था. यहाँ से बाहर का व्यू दिखता है क्योंकि बिल्कुल एज पर है कैंपस की.
दीज आर द केएमसी लेक्चर हॉल्स, जहाँ मैं अभी तो एंटर नहीं कर सकती बिकॉज इट्स संडे और अंदर जो है एंट्री अलाउड नहीं होगी. सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंटरैक्ट, मतलब यहाँ पर बच्चे इसको ज़्यादातर ऐसे ही बोलते हैं कि इंटरैक्ट जाना है, केएमसी हॉल्स जाना है, मतलब लेक्चर हॉल्स जाना है. तो अभी मैं केएमसी लेक्चर हॉल से वापस जा रही हूँ. सो दिस इज़ द वे टू एनाटमी बिल्डिंग, और एनाटमी बिल्डिंग में ही ऊपर वाले फ्लोर पर यानी कि फर्स्ट फ्लोर पर डाइसेक्शन हॉल भी है. सो वी जनरली गो इन द सेकेंड क्लास टू डाइसेक्शन हॉल. एनाटमी की जो प्रैक्टिकल क्लास होती है उसके लिए हमें डाइसेक्शन हॉल जाना होता है, तो हम वहीं जाते हैं. सो बेसिकली दिस इज़ द डाइसेक्शन हॉल वाला एरिया यानी कि एनाटमी बिल्डिंग, और उस तरफ जाकर जहाँ से अभी हम आए हैं वो लेक्चर हॉल्स हैं, और अगर हम इस साइड आ जाएँ इसकी तो यहाँ पर म्यूज़ियम एंड ऑल है, जहाँ पर मतलब ये पब्लिक म्यूज़ियम है, कोई भी आ सकता है यहाँ पर. और उसके साथ यहाँ पर स्पेसी सेंटर और रेस्ट रूम्स हैं, इनके बारे में मुझे भी कुछ खास पता नहीं है, बट येस मैंने विज़िट किया है, तो वो है सिर्फ पब्लिक म्यूज़ियम एनाटमी एंड पैथोलॉजी. इसके बाद यहाँ इस बिल्डिंग के बिल्कुल सामने ही फूड कोर्ट है, एंड देन इस तरफ अगर जाएं तो ये है माहे एडियो बिल्डिंग, जहाँ पर हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाई थी, और यहाँ पर सारे मतलब ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स का जो काम होता है वो यहाँ पर होता है, सारे ऑफिशियल काम यहाँ होते हैं. दिस इज़ मणिपाल म्यूज़ियम ऑफ एनाटॉमी एंड पैथोलॉजी. इसकी एंट्री बहुत अच्छी है. And that is a hostel. One of my friends lives there. Chandrasekhar hostel है वहाँ पर. Hi, so अभी हूँ मैं फ़िलहाल इंदिरा ब्लॉक के सामने, यानी कि मेरा हॉस्टल जहाँ पर हम मतलब हमारे रूम्स हैं, और इसके बाद मैं आपको लेके जाऊँगी कैंटीन जहाँ से हम खाना खाते हैं. रेयरली खाना खाते हैं, वैसे फूड कोर्ट में हम जाते हैं अपने लंच ब्रेकफास्ट डिनर के लिए. और उसके बाद अपनी उन बिल्डिंग्स में लेके जाऊँगी जहाँ पर हम फिजियोलॉजी के एसजीटीज़ के लिए जाते हैं, बायोकेम के लिए जाते हैं, या फिर लेक्चर हॉल्स के लिए जाते हैं. सो दिस इज़ द इंदिरा ब्लॉक, और इसके बिल्कुल सामने यहाँ पर है कैंटीन. कैंटीन इज़ बेसिकली वो एरिया जहाँ पर हम तब आते हैं, मतलब मैं तो तभी आती हूँ जब मुझे फूड कोर्ट के खाने से थोड़ा चेंज चाहिए होता है. तो फूड कोर्ट में सिंपल रोटी सब्ज़ी राइस एंड ऑल मिलते हैं, तो वो ज़्यादा मोनोटोनस हो जाता है, तो उसको एस्केप करने के लिए आई यूजुअली कम टू द कैंटीन विच इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ द इंदिरा हॉस्टल. तो थोड़ा आगे चल के है यहाँ पर सोनिया ब्लॉक यानी कि अनदर हॉस्टल रूम्स, और सोनिया ब्लॉक और इंदिरा ब्लॉक के पास है एक ये अका शॉप. तो इट्स बेसिकली ग्रोसरी शॉप काइंड ऑफ थिंग, और जो भी हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो हमें सब कुछ यहाँ पर मिल जाता है, बी इट्स स्नैक्स और सोप्स या यूजुअल जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं डे टू डे लाइफ में, वो सब हमें यहाँ पर अका शॉप से मिल जाती हैं. उसके बाद यहाँ से अगर हम जाएं, यानी कि इंदिरा हॉस्टल से जाएं इस तरफ, तो सामने है केएमसी ग्रीन्स. केएमसी ग्रीन्स एक ग्राउंड है जहाँ पर अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं, या फिर लोग ब्रेक टाइम्स में रिलैक्स करने आते हैं. सो दिस इज़ द केएमसी ग्रीन्स एरिया. अभी यहाँ पर एक फेस्ट उत्सव चल रहा है. सो उत्सव इज़ अ फेस्ट जो यहाँ पर चल रहा है, अदरवाइज ये एरिया पूरा खाली होता है. और ये रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ केएमसी ग्रीन्स, और यहाँ पर बैक एरिया है फूड कोर्ट का,
मतलब यहाँ से भी हम फूड कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन इसका फ्रंट एरिया दूसरी तरफ है। सो दिस इज़ द प्लेस जहाँ पर उत्सव हो रहा है, यानी कि फेस्ट यहाँ का। एंड हियर इज़ द फिजियोलॉजी बिल्डिंग, दिस इज़ द फिजियोलॉजी बिल्डिंग। तो फिजियोलॉजी बिल्डिंग में बेसिकली हम SGTs के लिए आते हैं। सो ये है फिजियोलॉजी बिल्डिंग। तो यहाँ पर हम SGTs के लिए, SGTs आर बेसिकली स्मॉल ग्रुप टीचिंग। यहाँ पर जैसे हम थियोरी क्लासेज अटेंड करते हैं, थियोरी क्लासेस के बाद हमें कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं जो हमें प्रैक्टिस करने होते हैं, वो क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं, और जो भी हमें डाउट्स होते हैं या डाउट्स नहीं भी होते हैं तो वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए जाते हैं SGT में। सो लेट मी गिव यू अ व्यू ऑफ उत्सव। अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ है पर प्रिपरेशन चल रही होती है, रात को ये प्रोग्राम होता है एक्चुअली। This is the place we are going to come after the biochem class. Yeah, we're going to eat here because we can't be asked to go to the food for that. It's so crowded. That is the infectious diseases block. I will take you there. What is... Okay. Is it made for COVID? No, I don't know. What do we do there? I don't know, you're not supposed to go in there. It's directly to the hospital. You have to go to the student. Is it the part of the hospital? Yes. Okay. Okay. So now I'll be taking you to the Department of Biochemistry. Before the actual practical class, we actually go to the biochem lecture hall and then we go for the practical in the lab. Otherwise, for the normal theory lectures, we go to the interact. And this is the food court. Here we swipe our mess cards for printing the token to get access to the buffet. This is another area जहाँ पर आप आके खाना खा सकते हैं, मतलब फूड कोर्ट के बिल्कुल पास है। यहाँ पर फूड कोर्ट है, यहाँ से खाना लेके आप यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर मैं आती हूँ इवनिंग टाइम में क्योंकि यहाँ पर मुझे गर्मी लगती है सुबह के टाइम या फिर दोपहर के टाइम में भी। तो हमारे पास इवनिंग में स्नैक्स भी होता है और डिनर टाइम में काफ़ी अंदर आ जाता है, तो डिनर टाइम में भी आ सकते। सो इवनिंग इज़ द बेस्ट टाइम टू कम टू दिस एरिया। So the buffet which we access by the tokens is available on the ground floor and the second floor, and the first floor has many food points such as Subway, Vaibhav, Saiba and some other places जहाँ पर हम तब आ जाते हैं जब हमारा food court का खाना खाने का मन नहीं होता। So this is the front side जहाँ से मुझे ideally enter करना चाहिए था food court में, पर मैं पिछली साइड से एंटर की थी उसकी। यहाँ से आप बाहर जा सकते हैं, मतलब कैंपस से बाहर जाने का रास्ता है। Hey, so we are going to the Butterfly Cafe, which is one of the many places where I haven't visited yet, and
This is my friend Shri Lakshmi going with me. Hey, so right now I am in front of my hostel और यहाँ से मैं आपको लेके जाऊँगी हमारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तरफ. सो दिस इज़ माई हॉस्टल इंदिरा ब्लॉक और यहाँ से हम चलेंगे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तरफ जिसका नाम मरीना है. सो इवन आई हैव नॉट विजिटेड दैट प्लेस टिल नाउ, तो देखते हैं वहाँ जाके कि सब कुछ कैसा होता है. ये कुरियर पॉइंट है जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था. एंड दीज आर एक्चुअली 3 शॉप्स टुगेदर इन अ प्लेस, जिसमें सबसे पहले है हॉट ईट्स कूल ट्रीट्स, और फिर मणिपाल स्टोर है जो कि ग्रोसरी शॉप है, और फ्रूट शॉप है जो उसके साथ है राइट में. यहाँ से पता चलता है कि जो मरीना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर, ये है राइट में, और जो एंड पॉइंट है वो आगे की तरफ है. एंड पॉइंट यहाँ से आगे जाके है, और जो मरीना है वो राइट हैंड साइड है. सो यहाँ तक का रास्ता इन दोनों के लिए सेम है. This seems to be a court of tennis. अंकल मरीना की एंट्री कहाँ से होगी? यहाँ से बीच में से जाना. This seems to be a beautiful place. Play it hard. आई सपोज दैट वॉज द इन, एंड अब मैं आउट वाली जगह से इन कर रही हूँ. वाओ, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये जगह इतनी सुंदर होगी. इट्स बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशंस. Sunday they didn't let me in, but what I observed was a beautiful big glass building जिसके अंदर सब जिम फैसिलिटीज थी, सब मशीन्स थी वर्कआउट के लिए. एंड ऑल्सो उस बिल्डिंग के आसपास बहुत सारे कोर्ट्स बने हुए थे, बहुत सारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस थे जहाँ पर कोचेस थे और स्टूडेंट्स थे जो वहाँ पर खेल रहे थे. एंड सो नीट के टाइम पर बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, मतलब मुझे तो स्पोर्ट्स का कोई ज़्यादा शौक नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अपने वो स्पोर्ट्स वाले पैशन को मिस करते हैं, पढ़ते हैं, नीट की प्रिपरेशन करते हैं. तो दिस वाज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, और यहाँ पर आके ऑब्वियसली वो अपने सारे शौक पूरे कर सकते हैं. और केएमसी में जब हमने केएमसी ज्वाइन किया तो हमारे ग्रुप्स बनाए गए, और उन ग्रुप्स में जो सीनियर्स हैं उन्होंने सारे क्लब्स इंट्रोड्यूस किए, या शायद टीचर्स ने सारे क्लब्स इंट्रोड्यूस किए. तो वो जो क्लब्स हैं दे कंटेन ऑल द स्पोर्ट्स क्लब्स, टेनिस क्लब है, बास्केटबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, ऑल द क्लब्स. सो अगर आप किसी भी स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं तो दिस प्लेस डज नॉट ओनली प्रमोट स्टडिंग, इट ऑल्सो प्रमोट्स द स्पोर्ट्स, इट ऑल्सो प्रमोट्स अदर क्लब्स लाइक कल्नरी आर्ट्स एंड एवरीथिंग एल्स. दिस इज द सेंट्रल रिसर्च लैब ऑफ KMC मणिपाल. So I've already shown you many places of a campus and also visited them myself with you, but this was still just a part of what all it has. This campus has got many beautiful places inside it. In my shift from Haryana to Manipal, I feel I'm more close to the nature here.
और यहाँ जनरली कभी ऐसा नहीं लगा मुझे कि कहीं और घूमने जाने की जरूरत है, सिंस इट्स इटसेल्फ अ वेरी ब्यूटीफुल एंड पीसफुल प्लेस. So friends, that's a wrap up on this video. I'll keep sharing my experiences of living in Manipal. Stay tuned. Bye-bye.